Hi students, so now we are covering the first question from the factorization. Question has been already covered in your class, but still we are again discussing the same thing so that it will be easier for you when you will do self-study. So without wasting your time, let's start the question and what we have to do in this particular question. So in questions ko karne ka jo sabse pehla logic that I have told you is, जैसे कि आपको ये दिख रहा है एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का 2ax है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इन जो कॉन्स्टेंट है जो बिल्कुल एंड में बैठा है, आपको यहाँ पे इसके फैक्टर्स करने होते हैं सबसे पहले। तो दिस इज द ट्रिक ऑफ दिस क्वेश्चन। So, जब आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर किया तो आपने रियलाइज किया ये तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्म आया है। तो ये जो आपका पहला इक्वेशन है हमारा, वो हमने कन्वर्ट कर दिया कुछ इस फॉर्म में फैक्टराइजेशन से, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में देखूं तो नेक्स्ट स्टेप में नथिंग स्पेशल आई विल डू। जो यहाँ ऊपर लिखा है मैं एज इट इज उतारूंगा, ये जो माइनस है मैं माइनस लिखूंगा, लेकिन अब मैं एक ब्रैकेट पुट कर लूंगा, बाहर मैं एक्स लिख दूंगा और यहाँ मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी को ही रहने दूंगा और ये जीरो के इक्वल है, ये आपको पता है। आप मुझे बस केयरफुली एक चीज का ही आंसर मैं यहाँ से आपसे डिमांड करता हूँ और वो ये है, जो यहाँ पे बिल्कुल हमारा मिडिल टर्म है, अगर मैं अपनी मिडिल टर्म को देखूं तो ये है यहाँ पे 2a, got it? ठीक है 2a। तो आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, बेसिकली मिडिल टर्म अगर मेरी 2a है तो ये जो मेरे पास फैक्टर बन के आए हैं, आपको बस ये मुझे बताना है कि अगर मैं a प्लस बी को और a माइनस बी में मैं ऐसा कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाऊं कि मेरे पास 2a बचे बस। तो आपने बोला कि सर अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो प्लस का b और माइनस का b आपस में कैंसिल हो जाएगा और एटलीस्ट हमारे पास 2a बचेगा, और नॉट प्रिसाइसली मुझे 2 से भी कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ a चाहिए। तो a तो सर जब ही आएगा जब a प्लस a होगा, क्योंकि अगर आप इसे माइनस करेंगे तो a प्लस बी में अगर मैंने a माइनस बी को माइनस कर दिया तो ये माइनस का और ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस होके हमें 2b मिलेगा जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा कि मुझे इन दोनों को ही क्यों प्लस करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, मैं a प्लस बी में प्लस करवाऊंगा a माइनस बी को। तो ये है अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, यहां तक भी कोई चैलेंज नहीं होगा। अब अगले स्टेप में सर कुछ नहीं करना है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो ध्यान रखना माइनस का इनटू भी इनसे होगा दोनों से और एक्स का भी। सो जब आपने ये करवाया तो ये आपको मिला एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में ही रहने दीजिएगा इस ए बी को, और इस एक्स का इनटू भी जब इधर होगा तो यहाँ एक्स आ जाएगा। सेम वे इस माइनस का जब मल्टीप्लाई प्लस वाले से होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा और यहाँ a माइनस बी इंटू एक्स ही बचेगा। और वहीं पे ये जो चीज हमारे पास लिखा है फैक्टर ओके, इसको हम एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक समझने में आपको कोई डाउट होना चाहिए, बहुत इजी चीज चल रही है अभी तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो मेन चीज है हमारे पास वो आर्ट है ऑफ टेकिंग थिंग्स कॉमन। अगर मैं आपसे यहाँ पे सिंपल सा चीज पूछूं कि एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का एक्स, ये जो बाहर लिखा है इसमें क्या कॉमन आएगा, तो यू विल से सर सिर्फ एक्स कॉमन आया है। और अगर एक्स कॉमन आया है तो यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स गया तो अंदर एक्स बचा, यहाँ से एक्स गया तो आपका माइनस का ए प्लस बी को अभी भी ब्रैकेट में ही रखा है। तो आपने बोला सर डिट्टो हमारा यही बचेगा। फिर एक चीज का और ध्यान रखिए, जो ये ब्रैकेट होता है हमारे पास डिट्टो हमें दूसरा ब्रैकेट भी ऐसा ही बनाना पड़ता है। तो जैसे ही आपने ये दूसरे ब्रैकेट को भी सेम ब्रैकेट्स को एक साथ रखा, तो अब मुझे ये बताइए, सिंपल सा लॉजिक है,
यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, लेकिन यहाँ कौन मिसिंग है? यहाँ पे मिसिंग है ये माइनस वाला साइन, और दूसरा यहाँ पे मिसिंग है ए माइनस बी। तो आपने इस पूरी इक्वेशन को माइनस कॉमन लिया है ना, माइनस से भी इंटू करवाया और ए माइनस बी से भी इंटू करवा दिया। तो ये तो था पहला लॉजिक। और जैसे ही आपने यहाँ इंटू करवाया और जब अब आप इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके यहाँ पे दो फैक्टर्स बन चुके हैं, वो बन चुके हैं एक्स माइनस एक है ए प्लस बी, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। और दूसरा फैक्टर आपके पास है एक्स माइनस ए माइनस बी, और ये दोनों के दोनों किसके इक्वल है बेटा? ये दोनों के दोनों यहाँ पे जीरो के इक्वल है। तो क्लियरली अगर एक्स माइनस ए प्लस बी भी जीरो के इक्वल है और आपका एक्स माइनस ए माइनस बी भी जीरो के इक्वल है, अगर ये दोनों ही जीरो के इक्वल है, तो आपको पता है ये अपनी पोजीशन को यहाँ स्विच कर देंगे, है ना? तो ये जो माइनस वाली चीज है वो इधर जाके प्लस हो जाएगी और कहीं ना कहीं एक्स का आंसर आएगा ए प्लस बी, पहला आंसर। और अगर ये भी यहाँ माइनस का साइन है तो ये भी इधर का इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपको मिल जाएगा ए माइनस बी, है ना? तो हमारे पास दो आंसर्स यहाँ पे आ चुके हैं एक्स के, एक आया है ए प्लस बी और एक आया है ए माइनस बी। सो होपफुली इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ट्रबल आपको नहीं आया होगा, ठीक है? सो थैंक यू गाइस, नाउ वील सी योर नेक्स्ट वीडियो।